सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा सुरथ थे, शत्रुओं ने आक्रमण किया, भयानक युद्ध हुआ और सब छिन गया। प्राण बचा के वो घोड़े बैठ के भागे वहां से आए। ये बुढ़िया जब मिलके बैठती ना तो एक दूसरे को अपने दुख सुख सुना के रो लेती हैं, थोड़ा छोटा टाइम पास हो जाता है। नहीं समझ में आ रही बात? ये जो बैठते हैं ना आपस में, इसलिए थोड़ा बैठते हैं कि वेद वेदांत सुनाना है ना, एक अपने दूसरों का दुख सुख सुना के रो लिया, चलो ठीक है। यहाँ से समाधि, वहाँ से सुरथ, दोनों मिले, दोनों दुखी हैं ना, उनका राज छिना है, आजकल अपना अपना दुख सुना कर बैठे। समाधान क्या है? शारीरिक दुख को मिटाने के लिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, पर मानसिक दुख को मिटाने वाले केवल विद्वान संत और गुरु ही हुआ करते हैं, दूसरों के पास उनका नुस्खा है ही नहीं कोई। लेकिन आज का मानव ऐसा बुद्धि से कमजोर हो गया है कि सुन रहा है, मानने को तैयार नहीं। अगर थोड़ी सी बात भी मान ले तो जीवन महान बन जाए। क्या करें, कहाँ चलें, क्या उपाय करें? तो कहा गया क्या, सुमेधा नाम के ऋषि रहते हैं। क्या? नाम के ऋषि, उन्हीं के पास चला जाए। गए, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, बैठ के समाचार, वैश्य अपनी कहानी सुना के रो रहा और राजा अपनी सुना के रो रहा। अब सुमेधा ऋषि कह रहे हैं तुम्हारा छिन गया है और इसको घर से निकाला है, हमारे आश्रम में रहो, रोटी मिलेगी, तुम्हें भजन करो, सेवा करो। महाराज मजबूरी है क्या? शरीर यहाँ है, मन वहाँ। इस पापी मन को हम जितना रोकते हैं उतना ही भागता है वहाँ। ऐसी कोई कृपा की जाए कि हमारा मन भी शरीर के साथ घर छोड़ दे। राजा सुरथ कहते हैं मेरा हाथी ऐसे पाला गया था, मेरा खजाना इतना था, मेरे घोड़े इतने थे, मेरी पत्नी ऐसी थी, अब वही सब याद में आ रहे हैं। ये घर घर की कहानी है बाबू, घर घर की। क्या जो विवेकशील बुद्धिमान हुए उन्होंने तो किनारा कर लिया स्वयं, और जो नहीं है वो अपने ठोकरे खा रहे हैं, कुत्ते की तरह रोटियां मिल रही हैं खा लेते हैं अपने पड़े हुए। सुमेधा जी ने कहा ज्ञानी नाम अपिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पर्यच्छित। ये भगवती की माया शक्ति है, ठोकरें खा रहे हैं मन उसी तरफ जा रहा है। प्रभु उपाय बताइए, आराधना करो भगवती की, वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, बुद्धि रूपा हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए राजन तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। ध्यान दे रहा, और तुम्हारा मन हट जाएगा घर से। उपाय निवारण मंत्र, दुर्गा पाठ, पूजन की विधि सुमेधा जी ने समझाई, और नदी के किनारे चले जाओ। आराधना करना, माँ की कृपा होगी, जरूरत है विश्वास। विश्वास हो तो शबरी जैसा, विश्वास हो तो अंगद जैसा,
विश्वास हो तो प्रहलाद जैसा। शबरी के गुरु मातंग ने कहा था, बेटी मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो शरीर छोड़ के भगवान मिलेंगे। तू भाग्यशाली है, तेरी कुटिया में राम पता पूछते आएंगे, यहीं दर्शन देके तुझे कृतार्थ कर। वो तो गए, लेकिन गांठ बांध ली शबरी ने। मेरे गुरु ने कहा मिथ्या नहीं हो सकता, मुझे दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। आखिर सपना साकार हुआ कि नहीं हुआ? जरूरत है विश्वास। ये तीनों नदी के किनारे पहुंचे हैं, मूर्ति मिट्टी की बनाई है, स्थापना की है, और पाठ पूजा कर रहे हैं, चल रहा, चल रहा। यताहारो निराहारो तर्स तन मनुष्य को समाहित हो, मन उन्हीं में लगा दिया है। कभी थोड़ा खा लेते हैं, कभी बिना खाए भी रह जाते हैं। साधना चल रही है, बीच बीच में गुरुदेव के पास आते हैं, कुछ लाभ हुआ, पता लगा कुछ। बेटा विश्वास करो, सफल हो, फिर लग जाते। विश्वास अगर नहीं टूटा तो सफलता आपसे दूर नहीं होगी। ढाई वर्षों तक कुछ पता नहीं लगा, पर भजन में कमी नहीं आई। जब तीसरा वर्ष प्रारंभ हुआ, पौने तीन तीन होने जा रहे थे, एक दिन सपने में माँ भगवती सिंह पर सवार प्रकट हो गई। सांचे दरबार की इस स्वप्न में हुई है। इष्ट देवता के दर्शन स्वप्न में होने लगे और तुम्हारी निष्ठा बनी रहे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो साक्षात प्रकट होकर दर्शन न दे दे। अगर स्वप्न में भी यह दर्शन नहीं हो रहा तो अभी थोड़ा साधना और बढ़ानी चाहिए, और बढ़ाओ। जगत का चिंतन छोड़ो, इष्ट का चिंतन बढ़ाओ। आए हैं गुरुदेव को प्रणाम किया है, अच्छा स्वप्न आए तो माता पिता गुरु को ही सुनाओ, ज्यादा दूसरे को नहीं सुनाओ। अच्छा गुरुदेव आज स्वप्न में माने, बोली तो कुछ नहीं पर बड़ा सौंदर्य था, दिव्य विलक्षण आकृति थी, बस बेटे समय आ गया, जाओ बेटे और तेजी से भजन में लग जाओ। दोनों को फिर लगा दी। अब उन लोगों ने तो अपनी नसें चाकू से चीर के और अपने रक्त का प्रोक्षण करके भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं, रो रहे हो। तीसरा वर्ष पूर्ण हुआ, साक्षात जगदम्बा भगवती सिंह पर सवार प्रगट हो, सांचे दरबार की जय।